मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हड़कंप मचा हुआ है। यहां मगरदा रोड पर स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। कई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई हैं। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। अफरा तफरी के बीच अस्पताल में भगदड़ का माहौल बना हुआ है। दूसरी ओर हरदा में हुई इस घटना के बाद मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, उदय प्रताप सिंह, SCS अजीत केसरी, DG होमगार्ड अरविंद कुमार हेलीकॉप्टर से हरदा पहुंचे। फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबाद यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई, इनसे मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया, 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि जल्दी जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पर जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने स्थानीय कलेक्टर से बात की है। यहाँ दुर्घटना में जब 4-5 लोगों को होशंगाबाद रेफ़र किया है, कुछ को भोपाल रेफ़र किया है और जो स्थानीय हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज चल रहा है, हम लोग वहीं पर देखने जा रहे हैं। छः लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है और लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी SDRF की टीम है, SDRF के ADG भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, उनकी देख रेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लगता है कि शीघ्र हम निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि दुर्घटना में जो एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है। कितने लोगों के होने की? अभी लगभग 60 लोग इसमें आहत हुए, कुछ घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हैं। कोई राहत राशि जो है दे जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और एक बार सारी चीज़ों की बात होने के बाद हम इसको बेहतर बताने की स्थिति में होंगे। हादसे का पता चलते ही पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर अपना रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया है।